कितने दिन बोलेंगे लॉकडाउन? हम लोगों को प्रोटेस्ट है हिजाब के लिए कि हम लोगों को अलाउ किया जाए कॉलेजेस में हिजाब पहनने को। हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से राइट है कि हम अपने रिलीजन को चूज कर सकते हैं। जो भी कोई रिलीजन चूज करेगा तो वो उसे फॉलो करेगा, उसके कल्चर उसके कस्टम्स को फॉलो करेगा। अगर मुस्लिम रिलीजन में कस्टम है कि हमें अपने आप को ढक के रखना है, हिजाब में रहना है, तो हम अपने आप को इससे बिल्कुल भी दूर नहीं रखेंगे। और जब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है तो ये हमें पब्लिक दोनों इस चीज से रोक नहीं सकती। बचपन से स्कूल में हमें मॉरल एजुकेशन में यही सिखाया गया है कि हमें दूसरों के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के कल्चर को समझना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो फिर कुछ लड़के जो कि कॉलेज में ही हैं, जो कि एजुकेशन अभी ले रहे हैं, तो उन्हें ये सारी बातें कौन सिखा रहा है? उन्हें ये सब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कौन सिखा रहा है? उन्हें ये सब करने को कौन कहता है कि तुम जा करके अपने ही कॉलेज, अपने ही फ्रेंड्स, अपने ही जो आपके साथियां हैं उनके खिलाफ ये सब जाकर करें? वो किन उन्हें कौन ट्रेन कर रहा है? टीचर्स, हमने जो मॉरल एजुकेशन में क्लास वन से पढ़ा वो तो यही सिखाता है ना कि आप जो है दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, उन्हें फॉलो करें, हमें एक दूसरे में बैलेंस बना के रखना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए। तो अब कौन से ऐसे प्रोफेसर और टीचर्स हैं जो इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप जय श्री राम का नारा लगाएं और एक लड़की जो कॉलेज आ रही है आप उसके सामने झुंड में खड़े हो जाएं? ये कहाँ का रूल है और ये कौन से प्रोफेसर और टीचर्स गाइड कर रहे हैं? परिचय आपका? मेरा नाम रिश्ता माना।